Hi everyone, welcome back to my channel. So in today's video I am gonna share with you guys my 2019 empties. So without any further ado, let's get into the video. तो फर्स्ट आते हैं फेस वॉश पे. इस साल मैंने बहुत सारे फेस वॉश ट्राई किए, तो हर किसी को तो मैं खत्म नहीं कर सकती हूँ. मुझे जो पसंद आता है मैं उसी को यूज़ करती हूँ और ख़त्म करती हूँ. तो फर्स्ट थिंग आई हैव बायोटिक का बायोनियम प्यूरिफाइंग फेस वॉश. इसके बारे में आपने मुझे बहुत बात करते हुए सुना होगा पहले भी वीडियो, अगर आप देखते हो मेरा. तो ये और दो दिन या एक दिन ही जाएगा, ऑलमोस्ट ये पूरा खाली हो चुका है. तो एज अ मॉर्निंग फेस वॉश बहुत अच्छा है. सेकेंड मेरे पास है नेल्फ का एक्टिव नीम फोमिंग फेस वॉश. तो बेसिकली एक फोमिंग फेस वॉश है, बहुत अच्छा है. आप इसको मॉर्निंग टाइम पे यूज़ कर सकते हो. नीम का है ये, तो थोड़ा सा इसका स्मेल थोड़ा जो है पाउडरी काइंड ऑफ कुछ है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा फेस वॉश है. नेक्स्ट थिंग आई हैव लोटस हर्बल का टी ट्री फेस वॉश. तो ये जो करता है बेसिकली अगर आपके फेस पे एक्ने वगैरह कुछ है तो उसके लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें टी ट्री ऑयल है और वो जो करता है एंटी एक्ने, एक्ने को बहुत हद तक कंट्रोल करता है. तो बहुत अच्छा फेस वॉश है, 200 रुपीज में बहुत अच्छा है. नेक्स्ट मेरे पास जो फेस वॉश है बायोटिक का बायो पाइनएप्पल ऑयल कंट्रोल फोमिंग फेस वॉश. तो ये बेसिकली ऑयली स्किन के लिए है. अगर आपको ऑयली स्किन है तो आप इसको यूज कर सकते हो. इसका जो प्राइस है 65 रुपीज, बहुत ज्यादा अफोर्डेबल साइड है. अंडर 50 तो आपको मिल ही जाएगा, बायोटिक पे हमेशा सेल चलता है. नेक्स्ट थिंग आई हैव सेटाफिल का जेंटल क्लींजर. तो इसके बारे में भी आपने मुझे बहुत बात करते हुए सुना होगा. मुझे फेस वॉश बहुत ज़्यादा पसंद है. मैं इसका एक और भी खरीदा है मैंने इसका, और मैं इसको यूज़ करती हूँ अभी भी. बहुत ज़्यादा हर एक स्किन टाइप के लिए, हर एक स्किन टोन इसको यूज़ कर सकते हैं. बहुत ज़्यादा अच्छा है, सेंसिटिव स्किन के लिए भी परफेक्ट है. एंड लास्ट मेरे पास जो फेस वॉश है वो है लैक्मे का ब्लश एंड ग्लो फेस वॉश. तो स्ट्रॉबेरी एक्सट्रैक्ट के साथ ही आता है, तो मुझे इसका बस ट्राई करना था, इसलिए मैंने इसका छोटा साइज में मैंने इसके लिए. तो इसका प्राइस में भी 35 रुपीज़ है. तो इसमें आपको 25 ग्राम प्रोडक्ट मिल जाता है. तो अच्छा फेस वॉश है, एवरीडे काइंड ऑफ अच्छा ठीक ठाक है. तो अभी आते हैं टोनर कैटेगरी पे. तो मेरे पास तीन है मैंने जो 2019 में ख़त्म किया है. तो फर्स्ट मेरे पास जो है बायोटिक का बायो क्यूकम्बर पोर टाइटनिंग टोनर. तो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल साइड पे है और बहुत अच्छा टोनर है ये. और नेक्स्ट मेरे पास जो है गुड वाइब्स का ग्रीन टी ग्लो टोनर एंड हनी ग्लो टोनर. तो इन दोनों को भी मैंने ख़त्म किया है. तो इस साल मैंने इन तीनों को ही ख़त्म किया है. आई ऑल्सो फेस दिस रिक्विल का पिट स्टॉप जेल, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. अगर आपका पुराना एक्ने स्कार्स वगैरह है, न्यू भी है, तो बहुत अच्छे से इसको फेड कर देता है, एकदम घटा देता है स्किन से. तो मैं इसको आपको हाईली रिकमेंड करूंगी. नेक्स्ट थिंग आई हैव फेशियल ऑयल्स. तो मैंने गुड वाइब्स का ही फेशियल ऑयल जो है फर्स्ट ट्राई किया है. तो मैंने तीन खत्म किया है. तो फर्स्ट जो है गुड वाइब्स का क्यूकम्बर लेमन अंडर आई सीरम. तो बेसिकली अंडर आई के लिए है, अंडर आई में डार्क सर्कल वगैरह जो है इसको बहुत अच्छे से क्लीन करता है. और नेक्स्ट मेरे पास जो है गुड वाइब्स का विटामिन सी एंड विटामिन बी 3 ग्लो सीरम. तो ग्लो सीरम है और ये है रोजहिप ऑयल. तो मुझे सबसे ज़्यादा यही पसंद है, मैंने इसका एक और भी खरीदा है. तो मुझे बहुत ज़्यादा ये पसंद आया है. नेक्स्ट थिंग आई हैव वाओ स्किन साइंस का एलोवेरा जेल. तो वाओ का एलोवेरा जेल बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है. तो मैंने इसको ट्राई किया और मैंने इसको पूरा ख़त्म भी कर दिया. बहुत अच्छा एलोवेरा जेल है, बजट फ्रेंडली है, बहुत अच्छा क्वांटिटी में भी आता है. नेक्स्ट थिंग आई हैव गुड वाइब्स का क्यूकम्बर जेल है. तो 50 ग्राम का पैक है ये. इसमें आपको बहुत ज़्यादा फ्लेवर मिल जाएंगे, आपको एलोवेरा से स्टार्ट करके नीम हर कुछ का उन लोगों के पास है जेल. गुड वाइब्स में वैरायटी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा. तो इसको भी मैंने ख़त्म कर दिया है. बहुत अच्छे भी है, एज ए एलोवेरा जेल के जैसा ये सेम काम करता है. एंड आई ऑल्सो फिनिश दिस गुड वाइब्स का मैंगो जेल. तो कुछ था गुड वाइब्स में पर्पल में ऑफर, तो ऐसे कुछ था, दो तीन प्रोडक्ट लेने से कुछ फ्री दे रहे थे वो लोग, तो ये भी उन्होंने दिया. तो मैंने इसको यूज़ किया तो बहुत अच्छा है, मैंगो का स्मेल आता है इसमें से. नेक्स्ट थिंग आई हैव लोटस हर्बल का सेफ सन SPF 50 का जो सनस्क्रीन होता है. तो दिस इज फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन. अगर आप नॉर्मल टू ऑयली स्किन हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो. ड्राई स्किन के लिए मुझे ठीक से पता नहीं है काम करता है कि नहीं. बहुत ही ज़्यादा अच्छा सनस्क्रीन है, जेल फॉर्म में आता है, तो ऐसा नहीं है कि क्रीज हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है. तो मैं इसी को अभी भी यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास एक नया टब है. तो बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है सनस्क्रीन. एंड नेक्स्ट क्रीम के कैटेगरी, क्रीम पे जो मैंने ख़त्म किया है इस साल, लैक्मे एब्सोल्यूट का यूथ इन्फिनिटी डे क्रीम. तो है, तो मैंने इसको आधा ही मैंने यूज़ किया था, उसके बाद मेरी मम्मी ने इसको ख़त्म किया है. तो प्राइस वाइज ये क्रीम उतना अच्छा नहीं है. तो इससे ज़्यादा प्लम का आपको एम कैफेन का जो ग्रीन टी जेल जो होता है बहुत ज़्यादा अच्छा है. तो
इस प्राइस में इसको मैं आपको इसको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि 800 का प्रोडक्ट है और उतना अच्छे से काम नहीं करता है। नेक्स्ट थिंग आई हैव इनिसफ्री का जेजू प्रोमो ग्रेडिएंट एसेंस। तो मैंने इनिसफ्री का कुछ शॉपिंग किया था 1200 1500 ऐसा उन लोगों का कुछ था उसके वजह से आपको वो लोग कुछ गिफ्ट कर रहे थे तो मुझे पोमोग्रेनेट एसेंस नहीं है, पोमोग्रेनेट किट जो है उसमें आपका आई क्रीम आता था और एसेंस था उसमें और मॉइस्चराइजर था उनका क्रीम था जो पोमोग्रेनेट क्रीम है, तो तीन का सेट मिला था मुझे। तो मैंने इस एसेंस को ख़त्म किया, बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे एसेंस। तो एसेंस क्या होता है, एसेंस आपको बेसिकली नाइट टाइम पर लगाना होता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं इसका फुल साइज ढूंढ रही हूँ तो मुझे नहीं मिल रहा है, अगर आपको मिले फुल साइज तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि कहाँ पे है। नेक्स्ट जो थिंग है उसी किट में से है, तो इनिसफ्री का जो जेजू प्रोमोग्रेनेट रिविटलाइजिंग क्रीम है ये, तो ये भी बहुत अच्छा क्रीम है। 10 ग्राम प्रोडक्ट आया था इसमें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज फील कराता है और स्किन इसको यूज करने के बाद बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगता है। तो बहुत पसंद है मुझे, पसंद आया है मुझे ये जो पोमोग्रेनेट का उन लोगों का रेंज है। तो नेक्स्ट लिप बम पे मैंने इस साल 2 लिप बम को फिनिश किया है। तो फर्स्ट मेरे पास जो है नायका का सीरियल के सर लिप बम, तो इसको मैंने फिनिश कर दिया है। तो प्राइस वाइज लिप बम ठीक ही है। और नेक्स्ट मेरे पास जो है मेबलिन न्यूयॉर्क का आलिया और आलिया लव मेबलिन का जो उनका लिमिटेड एडिशन था उसमें से है, तो इसको भी मैंने ख़त्म कर दिया। तो पसंद है बेबीलिप्स मुझे हमेशा से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। सो नाउ कमिंग टू मॉइस्चराइजर कैटेगरी, तो फर्स्ट मेरे पास जो है लोटस हर्बल का वाइट ग्लो स्किन वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग जेल क्रीम। तो SPF 25 के साथ भी आता है तो एज अ डे क्रीम बहुत अच्छा काम करता है। अगर घर में रहते हो बाहर नहीं जाते हो तो SPF 25 ठीक ही है। तो मैंने इसका 2 साइज खत्म किया है, फर्स्ट जो है ये बड़ा साइज में आता है और सेकेंड जो है छोटा साइज में आता है। तो आप इसको बेसिकली सैम्पल साइज बोल सकते हो, 99 रुपीज़ का है ये। तो मैं जब ट्रैवल करती हूँ उसको लेके जाती हूँ और ये ख़त्म भी हो चुका है। तो बहुत अच्छा क्रीम है, एज आप इसको एज अ मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो, एज अ डे क्रीम यूज़ कर सकते हो। इसको यूज़ करने के बाद फेस पे आप देख सकते हो मॉइस्चराइज बहुत अच्छा फील होता है, ऑल्सो फेस को वाइट भी करता है थोड़ा। नेक्स्ट मॉइस्चराइजर आई हैव गार्नियर का रिंकल लिफ्ट एंटी एजिंग क्रीम। तो ये एंटी एजिंग क्रीम नहीं है, एज अ मॉइस्चराइजर बहुत अच्छा काम करता है और मैंने इसको पूरा ख़त्म कर दिया है। बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे इस प्राइस में, तो बहुत अच्छा है, तो ऑल स्किन टाइप के लिए तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग आई हैव प्लम का डीप मॉइस्चराइजिंग क्रीम। तो सच में बिल्कुल डीप मॉइस्चराइज करता है। इसका जो प्राइस है 575 है ऐसा कुछ, अराउंड 600 इसका प्राइस है। बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज फील कराता है, 8 से 10 घंटा इजीली स्किन आपको लगेगा कि बहुत अच्छे से डीप मॉइस्चराइज जो होता है फील करते हैं। और इसको लगाने के बाद आपका स्किन आप खुद ही देख पाओगे कितना ज़्यादा सॉफ्ट फील होता है। तो मैंने इसको पूरा ख़त्म कर दिया है और मैंने इसका सेकंड टब भी खरीदा है। बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है प्रोडक्ट लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एंड लास्ट मॉइस्चराइजर कैटेगरी में मेरे पास जो है लानेज का वाटर स्लीपिंग मास्क। बहुत ज़्यादा सुंदर मॉइस्चराइजर है, वाटर जैसा कंसिस्टेंसी है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। प्राइस थोड़ा लिटिल बिट प्राइसी है लेकिन बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। नेक्स्ट मेरे पास एक मॉइस्चराइजर ही है लेकिन मैंने इसको ऐसा मॉइस्चराइजर बिल्कुल नहीं यूज़ किया, मैंने इसको ऐसा बॉडी लोशन यूज़ किया है। तो मेरे पास जो है लैक्मे का पीच मिल्क सॉफ्ट क्रीम 24 आवर्स मॉइस्चराइजर लॉक। तो मैंने इसको फेस पे यूज़ नहीं किया है, मैंने इसको बॉडी पे यूज़ किया है। बहुत अच्छा स्मेल है इसका, बहुत अच्छा काम करता है, आप इसको फेस में भी यूज़ कर सकते हो। तो इसका 100 रुपीज़ प्राइस है और उसमें 65 ग्राम प्रोडक्ट होता है, तो प्राइस वाइज सही है। और मुझे समथिंग नायका पे कुछ ऑफर चल रहा था तो नायका का ये सेम रेंज के रेंज से सेम चीज़ मुझे फ्री में मिला था, तो ये भी मैंने एज अ बॉडी लोशन यूज़ किया है। तो बहुत अच्छा है एज अ बॉडी लोशन, आप इसको यूज़ कर सकते हो और मॉइस्चराइजर भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। नाउ कमिंग टू फेस मास्क, तो मैंने इस साल 2 फेस मास्क को ख़त्म किया है। तो फर्स्ट मेरे पास जो है एवरयूथ नेचुरल का गोल्डन गोल पील ऑफ मास्क। तो मेकअप करने से पहले या आप मेकअप भी नहीं करते हो तो 15 मिनट पहले आप इसको यूज़ कर लो और उसके बाद पील ऑफ कर लो उसको और फेस वॉश कर लो, बहुत अच्छा ग्लो देता है स्किन पे। और प्राइस तो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, 45 रुपीज़ का आता है मे बी ये, हाँ 30 ग्राम प्रोडक्ट है इसमें और 45 रुपीज़ का है, तो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल साइट पे है। और नेक्स्ट मेरे पास जो है इनिसफ्री का कैप्सूल रेसिपी कैनोला हनी वॉश ऑफ पैक। तो मैंने जब इसको ख़रीदा था तो मुझे लगा था मैं 1 या 2 बार इसको यूज़ कर सकती हूँ लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका जो प्राइस है 150 रुपीज़ है और इसमें आपको मिलता है 10 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट। तो मुझे लगा था कि 1 से 2 बार यूज़ कर सकते हो लेकिन नहीं, इसको आप आराम से 2-3 महीना यूज़ कर सकते हो, 7-8 बार आप इसको ज़रूर यूज़ कर सकते हो। तो
क्या करना है, आपको उसको फेस में लगाना है और 15 मिनट तक छोड़ देना है। 15 मिनट बाद आपको पानी से, गर्म पानी से इसको धोना है, उतना हाई गर्म पानी नहीं, हल्का सा जो होता है, तो उसके साथ आपको फेस को वॉश करना है। तो आप देख पाओगे कितना अच्छा ग्लो दे रहा है फेस में, डर्ट वगैरह हट गया है, ऑल्सो स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है इसको यूज करने के बाद। तो मेकअप कैटेगरी में मैंने दो ही खत्म किया है, तो मेकअप को क्या खत्म करो, आई शेडो पैलेट कभी खत्म नहीं होते, फाउंडेशन होते हैं, लेकिन मैं डेली बेस में उतना ज्यादा फाउंडेशन अप्लाई नहीं करती हूँ। मेकअप करने के लिए भी मैं फाउंडेशन ज्यादा यूज नहीं करती, कंसीलर से ही मैं काम चला लेती हूँ। तो मेरे पास फर्स्ट जो है ब्लू हेवन का प्राइमर, तो ऑयल फ्री नॉन ग्रीसी प्राइमर है, बहुत ज्यादा अच्छा प्राइमर है। 300 रुपीज प्राइस है इसका, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत अच्छे से स्किन को स्मूथ फील कराता है और बेस एज अ बेस बहुत अच्छे से स्किन को स्मूथ कर देता है। इसकी वजह से क्या होता है, बेस बहुत आपका अच्छा दिखता है, तो बहुत ज्यादा अच्छा प्राइमर है, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी। और नेक्स्ट मेरे पास जो है गार्नियर का मिसलर ऑयल इन्फ्यूज क्लिनजिंग वाटर, तो मैंने इसको भी खत्म कर दिया है। तो मैं इससे मेकअप रिमूव करती हूँ, वाटर प्रूफ मेकअप भी इससे रिमूव होता है, तो प्राइस के हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छा मिसलर वाटर है। आई ऑल्सो फिनिश दिस फॉरेस्ट एसेंशियल का लग्जरी आयुर्वेदा भिनराज हेड मसाज ऑयल, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा ऑयल है। अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो बहुत अच्छे से रिड्यूस कर देगा, आपको इसको कंटिन्यू यूज करना है, 1 से 1.5 महीना आप यूज करोगे उसके बाद ही आप रिजल्ट देख पाओगे। तो इसका जो प्राइस है 350 रुपीज, थोड़ा प्राइसी साइड पे ही है, 50 ग्राम का प्रोडक्ट आता है, लेकिन ऐसा नहीं कि छोटा बॉटल है तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है, 3 से 4 महीना इजीली आपको हो जाएगा। एंड शावर जेल्स में मैंने जो खत्म किया है वादी हर्बल्स का लेवेंडर एंड रोजमेरी शावर जेल, बहुत अच्छा स्मेल है इसका, तो मैंने इसको खत्म किया है। और नेक्स्ट मेरे पास जो है गुड वाइब्स का वाटर लिली एक्जॉटिक शावर जेल, तो ये भी बहुत अच्छा है, नॉर्मल शावर जेल काइंड ऑफ है, लेकिन अच्छा है, जो भी है स्मेल इसका कुछ नहीं आता है, लिली का ऐसा कुछ स्मेल नहीं आता है, लेकिन ठीक ठाक है। एंड लास्ट थिंग आई फिनिश निविया का फ्रेश फ्लावर डिओड्रेंट, तो 48 आवर्स बोलते हैं कि इसमें से जेंटल केयर कुछ है, स्मेल आता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, डेली बेस के लिए बहुत अच्छा है, डिओ है, आप इसको यूज कर सकते हो, स्मेल जो है फ्रेश काइंड ऑफ है, तो मुझे पसंद है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस, आई होप यू लाइक दिस वन, मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेट, ऑल्सो हिट द बेल बटन, यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, सो टिल देन बाय।